तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानों और दिगर सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। इस जमन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आज से 31 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी और कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। दिन के वक्त तरकारी, दूध, किराना सामान की खरीदारी के लिए खानदान के एक शख्स को बाहर आने की इजाजत रहेगी। गाड़ी पर एक शख्स से ज्यादा अफराद को घूमने की भी इजाजत नहीं रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। हर रोज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस अमले को भी सख्ती से हिदायत दी गई है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। तेलंगाना में हमने एक लॉकडाउन का ऐलान किया हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, और इसके तहत सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। ना कोई गाड़ी बाहर से आएगी ना बाहर जाएगी। कुछ चीजों को हमने इसके दायरे से बाहर रखा है, जो जरूरी चीजें हैं जैसे खाने पीने की चीजें, दूध, सब्जी इत्यादि, और उनके लिए हमने कुछ कंसेशन दिया है, वो लोग आ जा सकते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या कुछ एसेंशियल सर्विसेज में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इन सब लोगों को भी हमने वो सुविधा दी है। आज शाम 7 बजे से, रोज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल कर्फ्यू होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं बिना वजह, एक ही वजह हो सकता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और अगर कोई ऐसे घूमता हुआ पाया गया, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी लोगों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग देंगे। ये सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम इस कोरोना वायरस को रोकना चाहते हैं तो ये करना अगले को भी जरूरी है। तो हम आपसे ये आग्रह, ये अनुरोध करते हैं कि आप सब इसमें हम लोग का साथ दें, और जो ये लॉकडाउन हमने पूरे तेलंगाना में लागू किया है सरकार ने, उसको सफल बनाए। और हम यही चाहेंगे कि किसी को भी ये बीमारी आगे ना आए और हम सबको सुरक्षित रख सके। सबको सुरक्षित रखने के लिए हमको कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ी है, और अगर लोग फिर भी कुछ पूरी तरह से उनका सहयोग नहीं मिला तो हम ये टाइम जो है उसको और भी बढ़ाएंगे और किसी भी तरीके से अपने पूरे जो हमारा राज्य है उसके लोगों को, उनके सहयोगियों को किसी भी तरीके से बचाएंगे, और आप सबका इसमें सहयोग जरूर। नहीं, यहाँ पे अभी आज पहला दिन है इसलिए कई लोगों को जानकारी नहीं है। हमारा एकमात्र है कि लोग इस तरह के काम जहाँ पे ज्यादा लोग जमा हो उसको पूरी तरह रोके, लेकिन अगर वैसा कुछ करना भी चाहें अगर, ताकि अगर कोई किसी को मदद कर रहा है उसमें जरूरी डिस्टेंस रखें और जो भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है उसको पालन करें, क्योंकि हम किसी भी हालत में ये वायरस को फैलने नहीं देना चाहते। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अटेंडेंस काफी परेशान है खाने के लिए। आई ओनली एक्सेप्ट स्टेटमेंट है वेजिटेबल्स कारण की, ग्रोसरीज कारण की, आज से 31 मार्च तक एक लॉकडाउन का ऑर्डर दिया गया है। इसके अनुसार ये लॉकडाउन ऑर्डर 24/7 रहेगा, लेकिन मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 7 तक कोई ग्रोसरीज लेने के लिए या वेजिटेबल्स परचेस करने के लिए या मेडिसिन दवा लेने के लिए अनुमति है, लेकिन वो पर्सनल व्हीकल गाड़ी पे चलना है तो एक ही आदमी चलना पड़ता, बाइक पे, कार पे चलना है तो एक ड्राइवर और एक आदमी दोनों जा सकते हैं। और ये भी परचेस जो भी कॉलोनी में रहते हैं ये नजदीक में परचेस करना, दूर नहीं चलना। इसके अलावा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये ऑटोज हो, टैक्सीज हो, बसेस हो और कोई भी हो, पूरा बैन है। वेदर इट इज नाइट आर डे 100%
their movement will be strictly regulated and they will be seized. A violation collector sees karenge or a law ke anusar a action bhi unke khilaf lenge aur hamare taraf se Telangana police ki taraf se hum pura check post har ek police station area mein rakhenge. Hum dekhenge koi bhi road par aaye to ye condition follow kar rahe hain nahi kar rahe hain, nahi kare to unka gaadi seize ho jayega. I request all the people to please adhere to these norms, follow the spirit behind this.